तो अगर आपको परशुराम की कहानी सुनानी है आ, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे मतलब मैं ये समझ गया कि उनके बर्थ से पहले हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती हाँ, है कि पॉलिटिकल रहे हो तब हाँ, करप्ट होने लगा था हाँ, बहुत ज्यादा ईवल फैल चुका था सोसाइटी में बुराई फैल चुकी थी सोसाइटी में आ, पर उनके बर्थ के बाद क्या होने लगा आ, उन्हें खुद पता था कि वो विष्णु अवतार थे नहीं परशुराम सो so, उनको माना जाता है कि शक्तिवेश अवतार वो होते हैं विष्णु जी के जिन जो भगवान विष्णु अपनी स्पेशल पावर्स किसी इंसान को देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस तो उनको शक्तिवेश अवतार माना जाता है तो उनको नहीं रियलाइजेशन था ये बट और कभी भी आप देखेंगे परशुराम की किसी भी स्टोरी में वो ऐसा भी नहीं हुआ जैसे uh, कि वो विराट रूप में आए या उन्होंने किसी को ज्ञान दिया जैसे कृष्ण जी ने दिया या राम जी को राम जी के साथ उनका एक्चुअली एनकाउंटर भी होता है परशुराम का स्वयंवर के बाद जो मिथिला में स्वयंवर है जब वो धनुष तोड़ देते हैं तो जब बारात वापस अयोध्या जा रही है तब वहाँ पे परशुराम आ जाते हैं क्योंकि वो शिव धनुष था और शिव जी को वो अपना गुरु मानते थे तो वो उस टाइम जब वो एनकाउंटर करते हैं राम जी को दैट इज दर्स्ट इंसिडेंट जहाँ आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने आए लड़ाई में और वहाँ पे राम जी ने उनको अपना विष्णु रूप दिखाया पर परशुराम नहीं दिखा पाए क्योंकि ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अवतार एंड दैट इज़ वेन परशुराम रियलाइजेस कि उनका जो काम था वो पूरा हो गया है उनका जो पर्पज था लाइफ का वो ये था कि इविल क्षत्रियस या इविल रूलर्स को हटाना है और अब राम जो कि एक क्षत्रिय हैं एंड ही इज नॉट ईविल सो ही इज नाउ टेकिंग ओवर सो अगेन द लाइफ इज कम फुल सर्कल आपको क्या लगता है टाइम डिफरेंस क्या हुआ रहेगा इन दोनों चीज़ों सो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस है हम जैसे अभी हैं ट्वेंटी एथ महायुग में अगेन uh, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा तो uh, ब्रह्मा जी के एक दिन को हम कल्प बोलते हैं हर कल्प में चौदह मनवंतर होते हैं तो जैसे हमारा दिन है आप समझ लीजिए हमारे दिन में बारह घंटे रात में बारह घंटे तो हम रात तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं दिन के जो बारह घंटे हैं उसी तरह आप मानिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह मनवंतर होते हैं हर मनवंतर के अंदर जैसे हमारे एक घंटे में साठ मिनट हैं हर मनवंतर के अंदर सेवेंटी वन महायुग्स होते हैं और हर महायुग में चार युग होते हैं सत्य युग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग ऐसे तो इट्स तो अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन तो अभी जो है हम हम ट्वेंटी महायुग में है, कलयुग में, जो परशुराम जी का जन्म हुआ था वो था त्रेता युग में, hmm. राम <laughs> जी का जन्म हुआ था 24th द्वापर युग में, 24th hmm. युग में, में, hmm. त्रेता so, uh, से 28th. कुछ दस हजार रहा हो गा, होगा, बहुत ज्यादा होगा और भी ज्यादा होगा क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से तो युगों की का स्पैन काफी लंबा है सो so, uh, जो नाइन्टीन महायुग में आ, परशुराम जी का जन्म हुआ वो ट्वेंटी महायुग तक थे रामायण के टाइम महाभारत जो कि अभी ट्वेंटी द्वापर में हुई उसके टाइम भी थे अगर आपको याद हो कि महाभारत में कर्ण को वो सिखाते हैं सबसे पहले उनका भीष्म के साथ भी झगड़ा होता है भीष्म भीष्म के साथ लड़ाई होती है फिर वो कर्ण को सिखाते हैं और कर्ण झूठ बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ और फिर वो उनको श्राप देते हैं कि आप भूल जाओगे सब कुछ तो वो ट्वेंटी एथ महायुग तक भी थे और परशुराम अभी आने वाला जो अवतार है कल की उनके भी गुरु बनने वाले हैं सो hmm. so, परशुराम का जो काम है वो एक्चुअली पूरा नहीं हुआ उनका काम चेंज हो गया पहले उनका जो पर्पस था अवतार का वो था ईविल क्षत्रियाज को मारना फिर उनका जो पर्पस था दैट वाज टू बिकम अ गाइड टू सर्टेन अदर रूलर्स एंड नाउ ही विल बी द गुरु ऑफ कल सो hmm. so, उनकी स्टोरी काफ़ी लंबी है

परशुराम जो हैं वो महेंद्र पर्वत पे हैं विच इज़ अ माउंटेन इन ओडिशा सो उनकी लोकेशंस भी दी गई हैं बट यू कैन नॉट अप्रोच दैम यू कान्ट सी दैम क्योंकि ऑफकोर्स यू नो दे हैव बिन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे नो हाउ टू कवर द ट्रैक्स और यू नो स्टे आउट ऑफ दी रेगुलर लाइफ सो जब तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो लोग नहीं आएंगे सामने पर अगर कोई श्रद्धा के साथ वहाँ उन्हें मिलने गया तो <laughs> uh, मुश्किल है क्योंकि जो लास्ट स्टोरी है जो मुझे पता है जो लोग परशुराम जी को मिलने गए थे देव द पांडव्स तो पांडव जब वनवास में थे तो इधर उधर टहलते टहलते वो महेंद्र भी पहुँच गए और महेंद्र गिरी जाके उन्होंने कोशिश की थी परशुराम जी को मिलने की जहाँ तक मुझे याद है वो नहीं मिल पाए थे पर परशुराम जी का कोई डिसाइपल था तो उसने उनको वहाँ वो मिला था और उसने उनको सारी स्टोरी सुनाई थी परशुराम जी की सो आई डोंट थिंक इट इज इजी ओके बट अश्वत्थामा थामा का हाँ सो अशोक थामा की तो बहुत साइटिंग्स हो चुकी है अपेरेंटली अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन हिम एंड अश्वत्थामा अगेन इज वन ऑफ द मॉटल्स बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज के ही वॉज कर्स्ड टू बी देयर ओनली फॉर वन यूग सो so, उनका जो एक्चुअली जो कर्स है वो पूरा हो चुका है सो आई डोंट थिंक ही वुड बी एग्जिस्टिंग एनी मोर इन दैट फॉर्म जो mm -hmm. उनको थी क्योंकि कृष्ण जी ने कर्स दिया था कि तुम एक युग तक ऐसे ही घूमते रहोगे सो नॉट रियली श्योर बट ये जो है जैसे हनुमान परशुराम इनकी तो डिस्क्रिप्शन uh, हैं व्यास देव एक और चिरंजीवी हैं वेद व्यास जिनको हम बोलते हैं सो so, वो तो मतलब अगेन प्रोबेबिलिटीज के वो बद्रीनाथ के आसपास हैं, क्योंकि उनके पिताजी पराशर ऋषि वहां मेडिटेशन करते होते थे बद्रिकाश्रम में